अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुए हैं उनमें यह इस बार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन यहां संपन्न हो रहा है और हम इसके साक्षी हैं। हम इसके साक्षी हैं। इन गौरव के क्षणों में हम स्वयं यहां पर उपस्थित हैं और पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व के 2000 से अधिक आर्य प्रतिभागी इस गौरव को अपनी आंखों से देख रहे हैं और इस गौरव में यहां आज तक का सबसे बड़ा कम से कम उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये यज्ञ का आयोजन यहां संपन्न हो रहा है। शायद केरल में तो केरल में कुछ हुआ 3100 का तो 3100 का आयोजन अभी तक केरल में कोई सबसे बड़ा राजेश जी ने किया था और इसीलिए श्रद्धे पूज्य आचार्य बाक्षी जी ने जब इसको देखा तो कहा कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। पूज्य आचार्य जी ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से बात भी कर ली है। आज जो आप ये यज्ञ कर रहे हैं ये विश्व के इतिहास में दर्ज होने वाला यज्ञ हो रहा है। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज होगा और मात्र यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व कीर्तिमान ही नहीं बन रहा है, ये यज्ञ की शोभा बहुत ही दिव्य लग रही है। यहाँ पर मैंने भी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के योग यज्ञ के आयोजन किए हैं। स्वयं योग के आयोजन तो बड़े बड़े इससे हुए हैं 5-5 लाख लोगों के भी, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन मैं भी अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूं और एक बार धन्यता का अनुभव कर रहा। तो अपने सौभाग्य के लिए एक बार हाथ उठा करके अपने लिए एक बार तालियां बजाइए कि इन गौरव के क्षणों में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिला है। बोलिए महर्षि देव दयानंद की, महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा के हमारे यशस्वी